एवरीवन, मैं हूं साइमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइमा सनशाइन फैशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत करती हूं। इस वीडियो का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, होना भी चाहिए क्योंकि दिवाली जो है आज का हॉल होने वाला है दिवाली स्पेशल हॉल। 20 से ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं जो आप इस दिवाली अपने घर को डिकोर करने के लिए परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जिसके लिए मुझे कमेंट आया था कि मीशो से मैं ये वाला प्रोडक्ट लेकर आऊँ, और मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया बट जैसा आपको चाहिए था वैसा मुझे नहीं मिला। फिर भी मैंने इसके दो ऑप्शन बाय किए हैं, आपको जो पसंद आता है वो आप ट्राई कर लेना। सबसे पहले मैंने ये वाला लिया है, मतलब एक मैंने लिया है पेंटिंग फ्रेम टाइप में लिया है और एक मैंने पोस्टर टाइप में लिया है। पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। सो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हॉर्स वाली पेंटिंग मुझसे बोली गई थी कि ये वाली मैं मीशो से लेकर आऊँ। सो ये ना मुझे स्मॉल साइज में मिली है, बड़े साइज में मैंने सर्च किया कि इस टाइप की मुझे मिल जाए बट बड़े साइज में पेंटिंग आ ही नहीं रही थी। पेंटिंग मुझे डैमेज मिली है, साइज कुछ इतना इसका आने वाला है, मतलब ज़्यादा बड़े साइज की नहीं और ना ही ज़्यादा स्मॉल साइज की है। फ्रंट साइड में कोई भी शीट या ग्लास नहीं है तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बैक साइड से कुछ इस टाइप से आ जाती है, इजीली आप इसको कील लगा के वॉल में हैंग भी कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड वाला ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये कुछ इस टाइप से मुझे मिला है और मैंने पता है एक्सपेक्ट किया था कि कुछ इस टाइप से ही ये मुझे पेंटिंग मिलेगी जैसे कि ये वाली मिली ना, मुझे पोस्टर मिला है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लिटरली जब मैंने इसको ओपन किया आई एम सो हैप्पी। अच्छा, इसको ना आप फ्रेम भी कर सकते हैं, फ्रेम में करके लगा लीजिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। इसमें आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी इसकी फिनिशिंग आपको मिलने वाली है। कलर है इसका ब्लू एंड बैक साइड से आ जाता है कुछ इस टाइप से। ये ना डबल टेप लगाया तो आप इसे अपनी वॉल में स्टिक कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रेम नहीं करना चाहते तो इस टाइप से आप इसको वॉल में स्टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने वाली है। कलर ऑप्शन अगेन आपको इसमें भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इन दोनों पेंटिंग में से कौन सी पसंद आई है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आई होप आपकी हेल्प हो गई हो ये वाली पेंटिंग्स देख के। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैंने ये पेंटिंग का सेट लिया है वॉल को डेकोर करने के लिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी थीम के साथ ये मुझे पेंटिंग रिसीव हुई है। मीशो पर ना इस समय बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेल चल रही है और दिवाली ऑलमोस्ट आने ही वाली है। सो दिवाली के टाइम पे भी ऑफर्स काफ़ी अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे मीशो पर। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको पैक ऑफ थ्री का सेट मिल जाता है। तीनों ही पेंटिंग की जो थीम है ना वो आपको अलग अलग मिलने वाली है। साइड में ना ये एक्रेलिक शीट लगा के दी जा रही है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ग्लास का जो फ्रेम होता है ना वो जल्दी से डैमेज हो जाता है, और ये वाला जो है ना ये इसका वुड का आपको मटेरियल मिल जाता है। स्क्वायर इसका शेप आ जाता है, बैक साइड में आपको ये मिल जाता है तो ईजिली आप इसको हैंग कर सकते हैं। प्लस अगर आप इसका ये वाला चीज़ चेंज करना चाहते हैं ना, फोटो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट तो मेरी ये वाली थीम हो गई, सेकंड है कुछ इस टाइप से, हैंग करके ना मैं आपको क्लिप स्क्रीन पर लगा दूंगी। थर्ड वाली है मेरी ये वाली पेंटिंग जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। कलर मैंने इसमें वाइट लिया है, इसमें आपको मैनी मैनी कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे एंड इसको मैंने ओनली 249 रुपीज़ में बाय किया है। इतने कम प्राइस में थ्री पेंटिंग का सेट मिल रहा है तो क्या ही बुरा। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन अपनी वॉल को डेकोर करने के लिए एकदम यूनिक सा प्रोडक्ट, और इसका जो प्राइस था ना मैं आपको बताऊं, जब मैं सेल से पहले इसका प्राइस देख रही थी तो 600 रुपीज़ था और अभी मैंने इसे सेल के टाइम पे ओनली 400 रुपीज़ में परचेज़ किया है। इसका जो मटेरियल है वो है मेटल का, और इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना क्योंकि काफ़ी हैवी मटेरियल का आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसमें भी आपको टोटल 3 पीसेज मिल जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है कुछ इस टाइप से, इसकी जो थीम है वो आपको मिलने वाली है बिल्कुल अलग और एकदम क्लासी सी इसकी थीम आपको मिल जाती है। इसका शेप अगेन स्क्वायर शेप का आपको मिल जाता है। बैक साइड से ये कुछ इस टाइप से है और इजीली ये आपकी वॉल में हैंग भी हो जाने वाला है। कलर इसमें कितने प्यारे प्यारे ऐड किए गए हैं, आपको सेकंड वाला भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल इससे अलग आ जाने वाला है, कलर बिल्कुल सेम है बट इसकी जो थीम है वो चेंज हो जाती है, और जो थर्ड वाला है वो है कुछ इस टाइप से, इसकी भी थीम आपको अलग मिलने वाली है। और ट्रस्ट मी, जब आप इसको अपनी वॉल में हैंग कर लेंगे जैसे मेरी वॉल एकदम यूनिक सी हो गई थी, आपकी भी वैसे ही हो जाने वाली है। इसमें आपको मैनी मैनी ऑप्शंस मिल जाएंगे, अगर आप डिफरेंट कुछ ट्राई करना चाहते हैं मीशो पर ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियो आपको मेरे चैनल पे आगे भी मिलती है। नेक्स्ट मेरा ये वाला प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको घर को डेकोर करने के लिए तो दिखा दिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, ये वाला जो है एकदम यूनिक सा है और दिवाली के टाइम पे अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया तो मैं बोलूँगी आपने कुछ भी ट्राई नहीं किया। एक्सपेक्टेशन से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। कुछ इस टाइप से आपको ये मिलने वाला है, अपने गेट पे हैंग कर सकते हैं। ज़्यादा प्यारा सा आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है आपके डोर को डेकोर करने के लिए, एकदम यूनिक सा है। इसमें ना आपको ये बहुत ही अच्छा सा मोतियों का वर्क किया गया है एंड इसमें ये पॉम्पॉम लगा के दी जा रही है जो कि इसे कंप्लीट लुक दे रही है। इसका लुक जो दिया गया है ना मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से इसका लुक आने वाला है। जैसे हमारा डोर होता है ना, मेन डोर जो होता है, बिल्कुल उस टाइप से इसका लुक आपको मिलने वाला है। इसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया है तो ईजिली आप कील लगाकर इसको हैंग कर सकते हैं। मैंने किस टाइप से किया था उसकी क्लिप मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी। और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी हैवी वेट का है, लाइट वेट नहीं है। इसमें मैंने कलर गोल्डन, रेड, ग्रीन लिया है। आपको इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको जो पसंद आता है आप वो ट्राई कर लेना और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लगेगा। नेक्स्ट अगेन कुछ उस टाइप से ही मैंने लिया है गेट को डेकोर करने के लिए। मतलब मैंने ना ऑप्शन बाय किए हैं, जो आपको पसंद आता है इस दिवाली आप वो परचेज करना। इस वीडियो में ना मैंने लाइटिंग नहीं ली है, ना दिए मैंने बाय किए हैं, ना लाइटिंग ली है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं दिवाली से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वाला प्रोडक्ट भी मैंने मतलब इस टाइप का लिया है मीशो से, बट वो बिल्कुल अलग है और ये वाला उससे बिल्कुल अलग आने वाला है। मैं इसको ना ओपन करके प्रॉपर आपको दिखा दूँ। इस टाइप से ये आपको गेट पे हैंग करने के लिए प्रोडक्ट मिल जाता है, इजीली आप इसको हैंग कर सकते हैं। इसका जो मटेरियल है ना, जो पॉली होती है ना, उससे ये बनाया गया है जो कि इसे कंप्लीट लुक दे रहा है। इसमें ना ये बड़ी बड़ी बेल लगा के दी जा रही है गोल्डन कलर की जो कि इसे कंप्लीट लुक दे रही है। इसका शेप मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब पूरा जो इसका शेप दिया है ना उस टाइप से दिया है कि गेट पे हैंग करने के लिए ये प्रोडक्ट ना एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। और इसमें भी आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, गेंदे वाले जो फूल होते हैं ना बिल्कुल उस टाइप से ये मुझे लग रहा है। ईजिली आप इसको वॉश एंड क्लीन भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये वाला प्रोडक्ट भी 10/10 है। नेक्स्ट अगेन मैंने हैंगिंग प्रोडक्ट लिया है जो कि आप इस दिवाली इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें आपको एक दो नहीं टोटल 7 पीसेस मिल जाते हैं और ये इस समय मीशो पर इतना ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट चल रहा है कि मोस्टली लोगों ने इसको परचेज किया हुआ है। कुछ इस टाइप से आपको ये हैंगिंग प्रोडक्ट मिल जाता है जिससे आप अपनी वॉल को डेकोर कर सकते हैं, प्लस इससे आप अपने मेन डोर को भी डेकोर कर सकते हैं। एंड ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना नीचे जो फ्लावर्स दिया है, ये इसको एकदम रियल जैसा लुक दे रहा है। ये मुझे देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये रियल है। कुछ इस टाइप से आपको ये फ्लावर्स मिल जाएगा, इसमें कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है पिंक कलर का एंड वाइट कलर के आपको ये आर्टिफिशियल इसमें फ्लावर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया तो इजीली आप इसे हैंग कर सकते हैं। मैंने किस टाइप से किया स्क्रीन पे आपको क्लिप लगा दूंगी। फर्स्ट वाला ये हो गया और सेकंड वाला कुछ इस टाइप से, मतलब सारे ही सिमिलर हैं, कुछ इसमें अलग नहीं है। इसमें आपको ये 7 फ्लावर्स मिल जाते हैं जिससे आप अपनी वॉल को डेकोर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी जब आप इसको हैंग करेंगे ना तो आपकी वॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी हो जाने वाली है। इस टाइप के मैंने बहुत सारे ट्राई किए हैं मीशो से फ्लावर्स, बट ये मुझे एकदम यूनिक सा प्रोडक्ट लग रहा था इसलिए मैंने इसको ट्राई किया है। एंड इसको ओनली मैंने 200 रुपीज़ में सेल के टाइम पे लिया था। आपको कैसा लगा ये वाला प्रोडक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगेन मैंने एक हैंगिंग प्रोडक्ट लिया है और इसका साउंड आप सुनो कि कितना ज़्यादा इसका साउंड अच्छा आने वाला है। ये मैंने लिया है विंड चाइम्स और आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो लुक है ना वो पूरा होम शेप दिया है और यहाँ पर ये जो फ़ैन बनाया गया है ये तो इसको एकदम कम्प्लीट लुक दे रहा है। छोटी छोटी सी यहाँ पर ना फिश हैं, कलर इसके कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, येलो, जो कि इसे कंप्लीट लुक दे रहा है। और इसका साउंड मैं आपको दोबारा से सुना देती हूँ कि कितना अच्छा इसका साउंड आने वाला है जब आप इसको हैंग कर लेंगे। ये जो होम आप देख रहे हो ना ये पूरा वुडन का है जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक दे रहा है। इस टाइप से आप इसको इजीली हैंग कर सकते हैं। ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। इस दिवाली आप इस वाले प्रोडक्ट को भी ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट है मेरा ये वाला प्रोडक्ट और इसको मैं बहुत टाइम से सोच रही थी परचेज करने का। इसमें ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आपको ये स्टैचू मिल जाता है डॉग का एंड इसमें आपको एक ये कप भी मिल रहा है जो कि इसे कम्प्लीट लुक दे रहा है।
कोई भी शेल्फ डेकोर करने के लिए या टेबल डेकोर करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इजीली ये स्टे हो जाने वाला है, डिसबैलेंस ये बिल्कुल नहीं होगा। और इसका जो मटेरियल है वो है सेरेमिक का, तो थोड़ा सा बच्चों से बचा कर रखना क्योंकि ये टूट भी बहुत जल्दी जाएगा। इसके जो फिनिशिंग है आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको इसकी फिनिशिंग मिलने वाली है बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से, तो मैंने आपको दिखाई दिया है। साइज़ मैं आपको दिखा दूं, कुछ इतना आपको इसका साइज़ मिलने वाला है। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप बच्चों के रूम को डेकोर करने के लिए कुछ इस टाइप का सर्च कर रहे थे तो इस वाले प्रोडक्ट को ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। नेक्स्ट है मेरा ये वाला प्रोडक्ट। अब मैंने घर को डेकोर करने के लिए तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको दिखा दिए कि दिवाली पे आप इस प्रोडक्ट से अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट होने वाला है किचन को डेकोर करने के लिए, और ये इतने कम प्राइस में मुझे मिला है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ इसको देखने के बाद। इसमें आपको एक दो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें आपको ये 8 कंटेनर मिल जाते हैं। इसकी खासियत पता है क्या है, मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। सबसे पहले आ जाता है ये कुछ इस टाइप से, और इसके ऊपर मेंशन है शुगर। आपको पता रहेगा आपने कौन सी चीज़ किस वाले कंटेनर के अंदर फिल करके रखी है। ऊपर आपको ये इसका कैप मिल जाता है, एंड ये जो है ना इसका कैप, इसमें कोई रबर नहीं लगी है बट ये एयर टाइट है, मतलब ज़्यादा एयर टाइट नहीं है, ओके है, नॉर्मल एयर टाइट कंटेनर है। साथ ना आपको ये स्पून भी मिल जाते हैं, टोटल आपको इसमें ये 8 स्पून मिल रहे हैं। इसके मटेरियल की बात करूँ वो है प्लास्टिक का, पहले ही आपको बता देती हूँ। सेकेंड वाला है ये है स्पाइसेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका कलर भी इस वाले से अलग आपको मिल जाता है, और मैं थर्ड वाला भी आपको दिखा देती हूँ। थर्ड वाला आ जाता है ये रेड कलर में, और इसके ऊपर लिखा है मिर्च। जो ये वाला है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर लिखा है काली मिर्च। आप इसके अंदर काली मिर्च को फिल कर सकते हैं। एंड ये वाला आ जाता है इलायची, आप इसमें इलायची रख सकते हैं। सबके जो कलर हैं वो उसी टाइप से दिए गए हैं जिस टाइप से आप इसके अंदर चीज़ों को फिल करने वाले हैं। और ये वाला आ जाता है येलो कलर में, जिसमें आप रख सकते हैं हल्दी। नेक्स्ट वाला है ये ज़ीरा, इसके अंदर आप ज़ीरा फिल कर सकते हैं। कलर इसका कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है ये ब्लैक वाला और ये ब्राउन वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा कलर मुझे लग रहा है। इसमें आप लॉन्ग रख सकते हैं, सभी का जो स्पेस है वो नॉर्मल स्पेस है, मतलब इतने कम प्राइस में तो इतना ही आपको साइज़ मिलने वाला है। अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक साथ इतने सारे कंटेनर परचेज करना चाहते हैं इस दिवाली अपने घर को डेकोर करने के लिए, तो ये वाला एकदम परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला प्रोडक्ट, अगरबत्ती स्टैंड मैंने लिया, मतलब एकदम यूनिक सा ही मैंने अगरबत्ती स्टैंड ट्राई किया। कलर इसका गोल्डन है, साइज थोड़ा सा स्मॉल है, और इसको मैंने ओनली 97 रुपीज में सेल के टाइम पे लिया, परफेक्टली मेरे बजट में आ गया था। 1 2 3 4 5 इसमें ना आप टोटल 5 अगरबत्ती होल्ड कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं क्लिप लगा दूंगी। अगर आप मंदिर के लिए कुछ इस टाइप का ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ये वाला प्रोडक्ट भी 10 on 10 होने वाला है। नेक्स्ट वाला जो मेरा प्रोडक्ट है वो आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत देर से देख रहे हैं। इसको मैंने लिया है मिंत्रा से। मैंने ना मिंत्रा से 4 प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो सोचा आपको इसी वीडियो में दिखा दूँ। मतलब दिवाली के लिए मैंने मीशो और मिंत्रा से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे अपने घर को डेकोर करने के लिए। सो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये प्लांट ना एकदम रियल मतलब लगने वाला है जब आप इससे अपने घर को डेकोर करेंगे। कोई भी कॉर्नर डेकोर करने के लिए ये वाला प्लांट एकदम परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इसकी ये जो लीव आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही, एकदम रियल जैसी लग रही है। इतना सॉफ्ट है इसका, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये एकदम सॉफ्ट मटेरियल से बनाई गई है और ये प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल इसमें यूज़ किया है। और ये जो स्टिक आप देख रहे हैं, इसके स्टिक प्लास्टिक की हैं, जो कि इसे काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। नीचे आपको ये पॉट भी मिल जाता है ना, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको वॉश करना चाहते हैं, ये वॉशेबल है, इजीली आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसके अंदर ना एक होल दिया गया, तो इजीली आप इस स्टिक को ना इसके अंदर अटैच कर सकते हैं और बहुत आराम से असेंबल भी हो जाता है। और कोई भी कॉर्नर डेकोर कर लो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। थोड़ा सा ना ये लाइट वेट है, तो इसके अंदर ना आप स्टोन डाल दीजिएगा तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, हैवी वेट का हो जाएगा, तो ये डिसबैलेंस नहीं होने वाला। मिंत्रा से मैंने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ मूव कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। नेक्स्ट मैंने मिंत्रा से ये वाला प्रोडक्ट लिया है। इसके रिव्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे लग रहे थे, बट जब ये मुझे रिसीव हो गया तो ये थोड़ा सा नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सा लग रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी खासियत पता है क्या है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको मिल जाता है ये स्टैंड। मुझे सारी चीज़ें अलग अलग मिली थी, मैंने ओपन कर लिया था क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नहीं देखा है मेरे चैनल पे, काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग की शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएंगी।
इसका ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ना, ये सारा इसका जो पेंट है ना, ये निकल रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें ना जंग लग रहा है। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से आप देख ही सकते हैं, काफ़ी सारा इसका जंग मेरे हाथ पे लग गया और ये पूरा पेंट ना इसका उखड़ता जा रहा है। इसमें आपको 1-2 ये स्टैंड मिल जाते हैं, तो मैं इसको ना रिप्लेस करने वाली हूँ, मतलब रिप्लेस करके दूसरा मंगाने वाली हूँ। बैल्कनी या फिर आप अपने टेबल डेकोर करने के लिए कुछ इस टाइप का लेना चाहते हैं तो ट्राई कर लेना। और लाइट वेट नहीं है, काफ़ी हैवी मटेरियल का इसका ये स्टैंड है, मेटल का इसका मटेरियल है, कलर इसका गोल्डन है। इसमें आपको 2 तो ये स्टैंड मिल गए और इसके साथ ना आपको ये पॉट भी मिल जाते हैं। इसका भी मटेरियल आपको मेटल का मिलने वाला है। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मैंने इसको क्लीन किया है। वाइट कलर है और गोल्डन कलर तो आपको पता ही कितना अच्छा लगता है। इसमें ना आप आर्टिफिशियल नहीं, इसमें आप रियल प्लांट को होल्ड करना इसमें ऑप्शन दिया है, तो इजीली आप इसमें रियल प्लांट को होल्ड कर सकते हैं और कुछ इस टाइप से इसके अंदर रख दीजिए स्टैंड के अंदर, तो ये आपका हो गया एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा स्टैंड रेडी, जिसमें आप रियल प्लांट होल्ड करके कोई भी कॉर्नर डेकोर कर सकते हैं। चीज़ है मुझे काफ़ी पसंद आई है, बट इसका ये जो पेंट है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ऑनेस्टली रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगा ये वाला प्रोडक्ट और कौन से प्रोडक्ट आपको आज की वीडियो में पसंद आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट मैंने ये वाला प्रोडक्ट लिया है अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब डेकोर करने के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, ऑर्गेनाइज करने के लिए भी मैंने कुछ ट्राई किया मिंत्रा से, मुझे काफी अच्छे प्राइजेस में मिल गया था। इसको 300 रुपीज में मैंने लिया है। साइज थोड़ा सा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बड़े साइज की ये मुझे ट्रे मिलने वाली है, लेकिन आप देख ही सकते हैं साइज थोड़ा सा स्मॉल है। नीचे इसमें ये जो स्टैंड है ना, वाओ, ये इसको बहुत ही ज्यादा सुंदर सा लुक दे रहे हैं। किसी भी टेबल पे आप इसको प्लेस कर दीजिए, आपकी वो टेबल एकदम यूनिक सी हो जाने वाली है। एंड यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको ये स्पेस मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना मेकअप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बीच वाले में आप अपने मेकअप के ब्रशेस रख लीजिए एंड यहाँ पे आप लिपस्टिक वगैरह जो भी आप चीज़ इसके अंदर रखना चाहते हैं आराम से रख सकते हैं। इसकी खासियत पता है क्या है, कि इस तरीके से रोटेट होती है, जो इसको बनाती है एकदम यूनिक सा। अगर आपको इसमें कलर कुछ दूसरा ट्राई करना है तो काफ़ी सारे इसमें 3-4 कलर ऑप्शन थे, मुझे ये वाला ज़्यादा यूनिक सा लग रहा था इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। इसके मटेरियल की बात करूँ वो है प्लास्टिक का। अगर आप मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इस टाइप का सर्च कर रहे थे तो ये प्रोडक्ट है 10 on 10। नेक्स्ट अगेन मैंने मिंत्रा से ही लिया है और ये भी एकदम यूनिक सा और टू गुड प्रोडक्ट है। इस दिवाली आप इस वाले प्रोडक्ट को भी मेरी तरफ से चेकआउट करके देखना। सो सबसे पहले आपको ये हैंड मिल जाता है, मतलब हैंड स्टैचू है और उसके अंदर आपको ये बुद्धा जी का स्टैचू मिल जाता है, जो कि इसे कम्प्लीट लुक दे रहा है। इसको मैंने दिवाली पर गिफ्ट करने के लिए परचेज किया है। आप चाहें तो अपने घर को डेकोर करने के लिए भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड चीज है वो मिल जाती है आपको इसके साथ ये राउंड शेप की ट्रे। इसका जो मटेरियल है वो है वुडन का एंड यहाँ पे आपको ये जो स्पेस दिया गया है ना, इसके साथ आपको ये फ्लावर्स भी मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको ये कैंडल भी मिल जाती है। सो इस फ्लावर्स को ना आप यहाँ पे रख दीजिए एंड ये जो बुद्धा जी का स्टैचू है ना, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। वाओ, इसका क्लिप मैं आपको ना स्क्रीन पर लगा दूंगी क्लोज से। फ्लावर्स रखने के बाद कैंडल को जब आप जला देंगे और इसका लुक वाओ बहुत ही ज़्यादा प्यारा आने वाला है। मैंने कैंडल नहीं जलाई थी, खाली इसमें फ्लावर्स रखे थे, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट गिफ्ट करना है तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। गिफ्टिंग के लिए कम बजट में अगर आप इस दिवाली कुछ सर्च कर रहे थे तो इसको ट्राई करके देखना, जिसको भी आप गिफ्ट करोगे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाने वाला है। नेक्स्ट है मेरा ये वाला प्रोडक्ट, इसको मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया है, ये है गुड लक। और किसी को इस टाइप का चीज़ गिफ्ट करो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा रहता है, और आप भी इसे परचेज कर सकते हैं अगर अपनी शॉप के लिए या अपने घर के लिए कुछ इस टाइप का आप सर्च कर रहे थे ना, तो इसको ट्राई करना। वाओ, ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसका जो साउंड है ना वो बिल्कुल मैजिक जैसा है, मैं आपको सुना देती हूँ, एकदम मैजिक जैसा इसका साउंड है। कलर इसका कितना प्यारा लग रहा है, मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर सी ना आपको ये बेल मिल जाती है ब्लू कलर की, जो कि इसे कंप्लीट लुक दे रही है। मटेरियल की बात करूँ, प्रॉपर मेटल का है ये और इसका साइज भी एकदम इनफ है। कुछ इस टाइप का सर्च कर रहे थे तो इसको ट्राई करना। 99 रुपीज में इतना यूनिक प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो बिल्कुल भी बुरा ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट है मेरा ये वाला प्रोडक्ट और सच्ची बोलूँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्रोडक्ट है। मतलब जिन लोगों को रंगोली बनाने का शौक है दिवाली के टाइम पे, तो इस वाले प्रोडक्ट को ट्राई करना। और इसमें पता है बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका जो मटेरियल है वो है फैब्रिक का। साइज़ आप देखो कि कितने बड़े साइज़ का आपको ये मैट मिल जाता है।
फैब्रिक का इसका मटेरियल है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और दूसरी इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। रंगोली आपको बनी बनाई मिल रही है, वो भी मैट में। मतलब मैंने पेपर वाला तो देखा है और इस टाइप का मैंने फर्स्ट टाइम देखा, तो सोचा कि मैं ट्राई करूँ और आपके साथ शेयर करूं। आपको कैसा लग रहा है ये प्रोडक्ट, मुझे जरूर से जरूर बताना। इसमें इतने प्यारे ऐड किए गए हैं कि ये एकदम रंगोली जैसा लग रहा है मुझे मैट। और बैक साइड से इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप से आ जाने वाला है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप कुछ इस टाइप का सर्च कर रहे थे। नेक्स्ट मैंने लिया है ये डोर मैट। रंगोली मैट तो मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने डोर मैट लिया है। और इसमें ना ये आपको स्ट्रॉबेरी मिल जाती है, मैनी मैनी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ये कितनी ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार मैट, आप देखो इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। फ्रंट साइड से ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल आपको मिलने वाला है। बैक साइड से ये ऐसा है, ग्रिप वाला है, मतलब जब आप इसको फ्लोर पे बिछा देंगे ना तो ये ग्रिप बना लेगा, फिसलने वाला ये नहीं है। अगर आप कुछ इस टाइप का मैट सर्च कर रहे थे अपने बाथरूम एरिया के लिए तो इसको ट्राई करना। इसमें भी मैंने दो ऑप्शन बाय किए हैं। सेकेंड वाला मैंने ना कुछ इस टाइप से लिया है, इसके रिव्यू देख के मैंने इसको परचेज किया। आप देख ही सकते हैं इसका जो मटेरियल है ना रबर का है, मतलब ये प्रॉपर रबर से बनाया गया है और इजीली ये स्टिक हो जाएगा। जहां पर भी आप इसको बिछाएंगे ना वहां पर ये बहुत आराम से स्टिक हो जाएगा। खासियत पता है क्या है कि ये क्विकली वाटर को ना सोख लेता है, इसलिए मैंने इसको बाय किया। 9 रुपीज में मैंने इसे लिया, मतलब सेल के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया इस बार मीशो से। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं और भी जो लाइटिंग वगैरह है ना वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। आपको कौन सा प्रोडक्ट आज की वीडियो में सबसे ज्यादा पसंद आया है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ अमेजिंग से ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।